एक ऐसी जगह जहां रहना किसी सपने से कम नहीं, बुरे सपने से कम नहीं। मैं तो सोचता हूँ ऐसा बुरा सपना किसको आना भी नहीं चाहिए साले, और जिसको भी आया है ना उच्च कोटि का चूतिया आदमी है वो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। यहाँ कंटेस्टेंट्स की हाई क्लास जरूरतों का पूरा ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। हाँ ये सही किया है इस शो में, वरना कच्चा बादाम वाली दीदी तो क्या क्या करती अंदर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कच्चा बादाम, मीठा बादाम, पक्का बादाम, झूठा बादाम, झटका बादाम, झटका बादाम, साले का खोपड़ी तोड़। लेकिन इन सेलिब्रिटीज की तकलीफ के बारे में हम जरूर सोचेंगे। पिटाई भी होती है क्या अंदर? चीटिंग करता है तू। तो मैं तो हरगिज नहीं जा रहा भाई इस शो में। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इसलिए हैंडकफ्स के साथ इन्हें मिलेगा ऐसे कंटेस्टेंट्स का साथ जिनका ये खून पी जाएंगे। खून पी जाएंगे? क्या बोला तूने? अच्छा ऐसा खून पीना होता है क्या? अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं एडवांस में बुकिंग कर लेता यार। बड़ा हरामी हो बेटा। में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें खुल के जीने की आदत है। अगर ऐसा खुल के शो होने लगे तो देश के युवाओं को ओमेगल पे जाने की जरूरत नहीं होगी, समझ रहे हो? इसीलिए अब कपड़े उतरेंगे तो सबके सामने। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ से आउट ना होने के लिए इन सेलिब्रिटीज को अपने सीक्रेट्स भी बताने होंगे। अच्छा सीक्रेट भी बताने होता है क्या? ओह माय गॉड। अगर मैं उस शो में होता तो मैं भी मेरे सीक्रेट बताता। सुनो मैं रात को चड्डी में मुतता हूँ, मैं चार चार दिन तक नहाता नहीं, मैं डीमार्ट से कैडबरिया चुराता हूँ, मैं मेरे मोजे एक महीने तक धोता नहीं। चुप, बिल्कुल चुप। वो भी सबके सामने, इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी। कौन कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी? ये फंस गया। मैं तो इन्हें जानता तक नहीं, मैं तो इन्हें पहली बार देख रहा हूँ, और वो भी वो कच्चा बादाम वाली दीदी थोड़ी जान पहचान की है। Wait a minute. अरे पहचान वाली मतलब वो कच्चा बादाम वाला गाना फेमस हुआ था ना इसलिए। पर 24/7 नजर रखने के लिए जहाँ होगा अत्याचारी खेल। अत्याचार भी बड़ा अचार के जैसा होता है, बहुत मस्त, समझ रहे हो? लॉकअप।